नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। रजनीश राय की पत्नी ने जिला परिषद से तो रविशंकर सिंह ने मुखिया से किया नामांकन। जी हां, समस्तीपुर का खबर है। समस्तीपुर जिले से जिला परिषद रजनीश राय की पत्नी व कल्याणपुर से मुखिया के लिए रविशंकर सिंह ने किया नामांकन। जिला परिषद क्षेत्र संख्या नंबर 2 से रजनीश राय की पत्नी एवं कल्याणपुर खरसन पूर्वी से रविशंकर सिंह ने मुखिया के लिए किया नामांकन। नामांकन से उमड़ी से सफातर समर्थकों की जनसैलाब। नामांकन के बाद जब प्रत्याशियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में जो विकास हुआ है और जो अधूरा रह गया है, मैं उसे पूरा करूंगा। रविशंकर सिंह ने अपने पंचायत के लिए अस्पताल खोलने की बात को प्राथमिकता दिया और उन्होंने कहा, अपने क्षेत्र में मैं शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मतदाता भाइयों बहनों के लिए सभी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा और अपने पंचायत में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित करने का काम कराऊंगा। हर जनता की हर सुविधा को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी और भ्रष्टाचार के हर तबके तक पहुंचाने का काम करूंगा। वहीं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 के प्रत्याशी के पति रजनीश राय ने अपने पंचायत में किसानों की समस्या के लिए गहरी संकट और शोक व्यक्त किया और किसानों के लिए और क्षेत्र की जल समस्या के लिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, ऐसा कहा। इस बार बहुत ज्यादा वर्षा से जल जमाव से परेशान हैं लोग, खेत खलिहान सभी बर्बाद हो चुके हैं। सरकार की हर योजनाओं में किसान को प्राथमिकता के साथ समाधान करेंगे। क्षेत्र संख्या 16 मोरवा से सुनीता देवी के पति ने कहा, 5 साल क्षेत्र में प्रत्याशी जीत कर घर में आराम करते हैं और 5 साल और 40 वर्षों से समाज का सेवा करता आ रहा हूँ और इस बार जो समस्या है वो हर हाल में एक करके दूर करूंगा। प्रत्याशी ने कहा, जल जमाव की समस्या पूरे जिले समेत हमारे पंचायत में भी गंभीर है, अगर हम मौका मिलता है तो प्राथमिकता के साथ जल जमाव की समस्या को दूर करते रहेंगे। क्षेत्र में टूटे सड़क को पुनः और नए बनवाएंगे। पुष्पा सहनी ने भी जल जमाव की समस्या और सड़कों की समस्या को प्राथमिकता के साथ साथ काम करने की बात बोलकर चुनावी मैदान में आ चुकी है और अपना नामांकन कराई है। रिपोर्टर संतोष कुमार ठाकुर। कितने से नॉमिनेशन किए हैं आप? चुनावी मुद्दा रहेगा, ये संख्या कितने से नॉमिनेशन किया? 16। और आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? क्या नाम हुआ? पुष्पा कुमारी। क्षेत्र संख्या 16 मोरवा। आज नॉमिनेशन किए हैं, किस पद पे नॉमिनेशन किए हैं? जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से मेरी वाइफ ने जो है। क्या है चुनावी मुद्दा आपका? चुनावी मुद्दा है कि कल्याणपुर प्रखंड में जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या ऐसा है कि किसान महीने से एक एक अन्न के लिए और मवेशी एक एक चारा के लिए बहुत परेशान है और नवयुवक को रोजगार नहीं मिल रहा है और बरगलाया जा रहा है। प्रशासन महीने से उन्माद हो चुका है और आए दिन हत्या और बहुत सी घटनाएं बर्दाश्त होती है, जो कि उस पर घोर निंदा होनी चाहिए। उस पर रहने से प्रशासन पर अंकुश लगाया जाएगा और नवयुवक को जो है न से रोजगार के लिए सृजन के लिए जो भी है न से मुद्दा रखेगा उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मेन किसान की समस्या आज जटिल समस्या हो गई है, जो कि है न से भुखमरी की ओर जा रहे हैं और रोजगार में भी बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा का है न से व्यापार का ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें शिक्षा में मेन गुणवत्ता होनी चाहिए कि टेक्निकल शिक्षा की उसमें विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हम अग्रसर रहेंगे। जनता एक मौका देती है तो अपने क्षेत्र के लिए क्या विकास करेंगे, क्या प्राथमिकता होगी? जनता अगर एक बार और मौका देगी जनता जनार्दन, तो मैं उसके वो उनका सेवक बन के और बेटा बन के हम काम करेंगे और उसमें मेन मुद्दा रहेगा मेरा जल जमाव को दूर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश राय हुआ, कल्याणपुर के वर्तमान अभिपैक्स अध्यक्ष है। मेरी पत्नी है से जिला परिषद क्षेत्र संख्या से वर्तमान में जिला परिषद सदस्य। आज नॉमिनेशन किए हैं, आपका चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? जनता का विकास और क्या है, सबसे वैसे हम कमिटमेंट किए हैं जनता से, इस बार अगर हम जीत के आते हैं तो अपने पंचायत में हॉस्पिटल का व्यवस्था रखेंगे ताकि लोगों को दरभंगा समस्तीपुर न जाना पड़े, मेन मुद्दा यही है। और पंचायत में जो विकास होता है, जल जीवन हरियाली है, विधवा पेंशन है, इंदिरा आवास है, सारे योजना पे हम लगातार दूसरी बार चुनाव है, तीसरा बार मेरा होगा, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता का काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा?
शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ मिडिल स्कूल से हाई स्कूल उसको करवाए हैं और गांव के सारे बच्चे हमारे गांव में ही मैट्रिक तक का शिक्षा मिल जाता है। इस पर अगर जनता एक बार मौका देती है तो कौन से काम का आप प्राथमिकता देंगे? आप सबसे पहला मेरा रहेगा हॉस्पिटल का, ताकि हर घर से बहन बहू को जिला में ही जाना पड़े, अपने पंचायत में ही उसका सारा स्वास्थ्य संबंधित सारा काम हो जाए। क्षेत्र में अभी तक कौन सा ऐसा विकास रह गया है जिसको आप पूरा करेंगे? काम तो सब हुआ, जल जमाव की समस्या मुख्य देखा जा रहा है जी। वैसे मेरे पंचायत में उस तरह का है नहीं, उस पर हम पूर्व से ही ख्याल रखे हुए थे। मेरे यहाँ उस तरह का समस्या नहीं, और जो भी है वो पुनः आप जीत के आते हैं तो समस्या का समाधान होगा। किस क्षेत्र से खड़े हुए हैं? खरसन पूर्वी पंचायत। क्या नाम हुआ? रविशंकर सिंह। जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16। क्या सब विकास का मुद्दा रहेगा इस बार? सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है और यही मुद्दा भी रहेगा मेरा, सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग। क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हैं जिसे जो है आप करवाएंगे? बहुत सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, आज तक के किसी जनप्रतिनिधि ने निर्वाचन जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 जहाँ से आज सुलीना देवी जी का नॉमिनेशन हुआ है, वहाँ से आज तक जितने भी लोग जीते सब 5 साल अपने घर में बैठे रहे, कि कोई भी आदमी आज तक जनता से मिलने का प्रयास नहीं किया। और मैंने 40 वर्षों से मोरवा में जनता का सेवा किया है, इसलिए मैं आज वहाँ निर्वाचन से अपना नामांकन कर रहा हूँ। मोरवा क्षेत्र संख्या 16। कैंडिडेट का क्या नाम है? सुदीना देवी।